हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों, वी हैव लर्निंग आवर फर्स्ट लेसन एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन दिस लेसन और दिस चैप्टर. वी हैव लर्न टू वीडियो एंड टू पैरा ऑफ दिस लेसन. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं थर्ड पैरा. ठीक है. माई ग्रैंड मदर एंड आई. राइटर, जैसा कि हमने बताया था, खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताते हैं, उनका चरित्रण करते हैं कि कैसी थी, उनका चरित्र, उनका व्यवहार कैसा था, किस नेचर की थी और उनसे उनका रिश्ता कैसा था उनकी दादी के साथ. आइए पढ़ते हैं. ठीक है. माई ग्रैंड मदर एंड आई. मेरी दादी माँ और मैं वेयर गुड फ्रेंड्स. अच्छे मित्र थे. कैरम, जैसे कि उन्होंने पिछले वीडियोस में बताया कि वो कैसी थी, उनकी कद काठी कैसी थी, मोटी थी, छोटी थी और कुछ झुक के चलती थी, उनके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी. फिर उसके बाद बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर. मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था. जब वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे, तब उन्होंने, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था. अर्थात जब मेरे माँ बाप शहर में रहने के लिए चले गए हैं, तब उन्होंने मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिया. एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार टुगेदर, और हम सब लगातार एक साथ रहते थे. मतलब मैं हमेशा दादी के साथ ही रहता था. सी यूज़ टू वेक अप. यूज़ टू, देखिए यूज़ है, किया करती थी, जिसका हिंदी में यूज़ आता है. सी यूज़ टू वेक मी. वे मुझे उठाया करती थी. वेक अप मी अप. वह मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग. रोज सवेरे वो मुझे उठाया करती थी, उठाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी. सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस. देखिए, मोनो मतलब एक होता है, टोनस होता है एक ही धुन में, एक ही धुन में, एक ही राग में वो अपने सुबह का जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो एक ही सुर में गाती थी. सॉन्ग, भजन गाती थी. वाइल जब सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी. जब वो मुझे नहलाती और मुझे मेरे स्कूल वाले ड्रेस को पहनाती थी, तब वो अपनी जो सुबह की प्रार्थना है एक ही सुर में, एक ही ढंग से गा के मुझे सुनाती थी. किस क्यों सुनाती थी? इन द होप, इस आशा में कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूँ इसे. एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट. गेट टू नो बाई हर्ट मतलब याद करने से है. ठीक है. और राइटर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ मुझे रोज़ सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, और जब मुझे वो नहलाती और मुझे ड्रेस पहनाती थी, तो वो एक जो भजन होता था, जो वो एक ही राग में गाती थी, इसलिए गाती थी, इस आशा में गाती थी कि मैं इसे सुनूं और इसे याद भी कर लूं. आई लिसन, मैं सुनता था, मैं उस गाने को सुनता था. राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं, हाँ मैं उस गाने को सुनता था. एंड क्यों? बिकॉज आई लव हर वॉइस. क्योंकि मैं उनकी वॉइस को, उनकी आवाज़ को पसंद करता था, उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी. बट नेवर बदर टू लर्न. लेकिन मैंने कभी इसे याद करने की कोशिश नहीं की, चिंता नहीं की. ठीक है. बट नेवर बदर टू लर्न. लेकिन मैंने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की. देन सी उड, तब वह लाया करती थी. देन सी उड फिच, फिच मतलब लाना. तब वो लाती थी, क्या लाती थी? माई वुडन स्लेट. पहले के ज़माने में जब बच्चे पढ़ते थे तो वो लकड़ी की स्लेट पे पढ़ते थे. तो वही कह रहे हैं कि तब वो मेरी दादी मेरी जो लकड़ी वाली स्लेट लाती थी, विच जिसे सी हैड ऑलरेडी, उस लकड़ी के स्लेट को जिसने, जिन्होंने पहले से ही वास धुला होता है. एंड प्लास्टर्ड मतलब, प्लास्टर मतलब होता है पुताई करना, विथ येलो चाक, पीली मिट्टी से. खैर, पहले जो बच्चे होते थे जो पढ़ते थे, तो वो अपनी जो लकड़ी का उनका स्लेट होता था उस पर वो मिट्टी से पुताई करते थे. वही कह रहे हैं कि तब जब मुझे दादी माँ मेरी तैयार कर लेती थी, उसके बाद वो मेरी स्लेट को लाती थी, लकड़ी वाली स्लेट को लाती थी, जिसे वो पहले से धुली होती थी और उस पर पीली मिट्टी से, उस पीली मिट्टी से उसको पेंट की होती थी. ठीक है. अब कह रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या लाती थी? अ टिनी, एक छोटी सी, एक मिनट,
एक छोटी सी अर्थेन, अर्थेन मतलब होता है मिट्टी का, अर्थेन मतलब होता है मिट्टी का इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी का इंक पॉट एंड अ रेड पेन और एक लाल पेन। वो मेरे लिए क्या कहलाती थी, और एक लकड़ी का स्लेट जो पहले से वो धुली होती थी और उस पर पीली मिट्टी से लिपी होती थी या पोती होती थी, ठीक है। फिर कह रहे हैं और एक छोटा सा मेरे पास, और क्या लाती थी, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट और एक रेड पेन भी लाती थी। टाई देम उन्हें आल इन अ बंडल, उसे एक बंडल में बांध देती थी एंड हैंड इट टू मी, और ये और मेरे हाथों में थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, कह रहे हैं सुबह का नाश्ता करने के बाद, और नाश्ते में होता क्या था उनके, देखिए तो कह रहे हैं आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक मोटी एंड स्टेल, मतलब था बासी, मोटी बासी चपाती, रोटी जिसे कहते हैं, विथ लिटिल बटर, थोड़ी सी घी के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर वो चीनी छिड़क कर, मतलब घी और चीनी, मोटी और बासी रोटी पर घी और चीनी का लेप लगाकर वो उस नाश्ते को कर एंड वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज, तो वे अपने साथ कुछ और भी चपातीज ले लेती थी, क्यों, फॉर द विलेज डॉग, गाँव के कुत्तों के लिए, वो गाँव के कुत्तों के लिए कुछ और चपातियाँ, कुछ और बासी रोटियाँ अपने साथ ले जाती थी। एक बार फिर से देख लेते हैं ये पूरा। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे फ्रेंड थे। मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया जब वे शहर में रहने के लिए चले गए, उसके बाद मैं और दादी माँ लगातार साथ साथ रहे, ठीक है, तो साथ साथ रहें। कह रहे वो मुझे सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। कह रहे वे सी सेड मॉर्निंग, फिर वे सुबह का भजन गाती थी एक ही सुर में, इसलिए गाती थी जब वो मुझे नहलाती और मुझे ड्रेस पहनाती थी तब वह सुबह का वो भजन एक ही स्वर में गाती थी, इस आशा में कि मैं उसे सुनूं और उसे याद भी कर लूं। फिर राइटर कह रहे मैं उसे सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी इस गाने को, इस भजन को कभी याद करने की चिंता ही नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन, तब उसके बाद राइटर कह रहे कि उसके बाद वो जब मुझे तैयार कर देती थी तब वो मेरे जो लकड़ी वाले स्लेट लाती थी जिसपे वो पहले से पीली मिट्टी से उसको पोती हुई होती हैं, और उसके बाद एक मिट्टी का वो इंक पॉट लाती हैं और एक लाल पेन भी लाती हैं, इन सबको वो एक बंडल में बांध देती है और उनको थमा देती हैं। और फिर उस वक्त कह रहे कि मोटी और बासी रोटी पर घी और चीनी का छिड़क कर के नाश्ता करने के बाद वे स्कूल जाते थे, और उनकी दादी जो थी वे कुछ और चपातियाँ अपने साथ ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। आई होप आपको ये भी पैरा समझ में आया होगा, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।